ये तो अघोर पंथ वालों को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं सर, कभी दूध निकाल के दिखाते हैं, कहीं कुछ है, कुछ पैसा कौड़ी ला के दिखाते थे जब हम छोटे थे, और बेवकूफ बना के चले जाते थे पैसा ऐसा ले करके। तो वही तो ये अभी यूट्यूब का सहारा लेके इतना दुनिया भर का बखान करते हैं। नहीं, आप ये मंगा लीजिए, वो करा लीजिए, नहीं देखिएगा जो मेरे गुरुजी हैं तो बंद कर देते हैं वास्तव। जो मेरे गुरुजी हैं श्री नागेंद्र जी, और मेरे जो दादा गुरु हैं स्वामी श्री निकलेश्वर सदगुरुदेव जी महाराज, ठीक है, डॉक्टर नारायण शिमाली जी, मेरे गुरु ने मुझे हमेशा ये सिखाया कि अपने आप को बिल्कुल सादा हो जाओ, जैसा मैं हूँ सादा हो जाए। सदगुरुदेव जी बहुत सिद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन वो हमेशा खुद और हमें यही सिखाते थे कि अपने आप को बिल्कुल सामान्य बना लो, इतना सामान्य बना लो कि तुम्हारे सीधे हाथ को भी पता ना लग पाए कि तुम्हारे डेढ़े हाथ में क्या है, कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है। इतने सामान्य हो जाओ, और किसी दूसरे की सहायता करनी है उसकी सहायता कर दो, उसको भी ना पता लगे। ये तो पुण्य है, ये तो तुम्हारा कर्म है, ये तो समाज के प्रति तुम्हारे कर्तव्य है। अगर तुमने उसकी सहायता की, उसको 10 बार तुमने बता दिया, तो इसके लिए तुम पुण्य नहीं करो, ये तुम्हारा पुण्य निष्काम नहीं है। साधना बहुत बहुत सरल होती है, सही चीज हो। कल मैं लाइव आया था, मैंने कल बहुत समझाया था अच्छे तरीके से। साधना कराने वाला व्यक्ति वही है, एक फीस लेता है 50 रुपए, एक लेता है 500 रुपए। 50 रुपए वाले डॉक्टर 5-6 टैबलेट दे देता है, 500 रुपए वाला डॉक्टर बस केवल 2 टैबलेट देगा। उसको पता होता है कि इतने में सही हो जाएगा, वो क्यों ओवरडोज दे। अगर इंजेक्शन सही नस में लगेगा तो बॉडी में फायदा करेगा, गलत जगह लगेगा तो दर्द करेगा। ये होता है। तो अब इस चीज पे तो आप ही लोग बोलते हैं कि सर भरोसे लायक है, और हमको तो समझ में नहीं आता। आप ही लोग का सब देखते हैं, और कठिन से कठिन लोग अपने पूरा आयु खो देते हैं साधना प्राप्ति के लिए। बिल्कुल। और आप लोग बोलते हैं एक दिन में हो जाएगा सकते हैं, नहीं देखिएगा। तो आप ही लोग संभव बनाते हैं सब चीजों को। संभव ऐसा होता है, ऐसा तो है नहीं कि आज आप बोलेंगे कि मुझे कल ट्रांसफर चाहिए, मैं नहीं दे पाऊंगा, माफी चाहूंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। आपको ट्रांसफर देने के लिए मुझे खुद सिद्धि करनी पड़ेगी प्रॉपर, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ट्रांसफर फ्री, जैसे वो प्रसाद बढ़ता है ना उस तरीके से बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऊर्जा देना और सिद्धि देने में बहुत अंतर है। मैं ऊर्जा आपको अभी दे सकता हूँ, फोन पे दे सकता हूँ, अनुभव करा सकता हूँ अभी के अभी, सिद्धि नहीं दे सकता मैं आपको। वही हम चाह रहे थे कि आप पे विश्वास कैसे करें करके। तो क्या है, सब लोग से ऐसी हम व्हाट्सएप पे चर्चा करके देख डाले हैं, हम लोग 5-6 उससे जुड़े थे, तो सब वो ऐसी धोखा दिए। तो पैसा देने के बाद हमारा पैसा सेफ रहेगा कि डूबेगा क्या है। तो अब थोड़ा सा हमें भी थोड़ा डर भय बना रहता है। देखिएगा, डर भय आपका नहीं है ना। अगर आप बाजार से 10 रुपए की भी चीज लेने जाते हैं तो दुकानदार से 10 प्रश्न करते हैं, ठीक है, आपका अधिकार है। नहीं, ऐसा चीज है ना सर। हाँ जी, सबसे पहले हमारे साथ यही हुआ था। नेपाल से व्यक्ति आए थे जो पैसे ट्रांसफर लेने के लिए, उन्होंने आगामी शुल्क जमा किया 60,000 रुपए, ठीक है। उनको परिट्रांसफर दिया गया, परिट्रांसफर देने के बाद प्रैक्टिकल कराए गए। रात को बिना बताए 12:30 बजे चेकआउट करके वो चले गए और फोन ऑफ कर लिया। उस दिन से हम सचेत हो गए। उसी दिन से हमने कंसल्टेंसी जो फॉर्म है, कंसल्ट फॉर्म हमने यूज किया। कंसल्ट फॉर्म भरने के बाद ना तो संस्थान आपसे फ्रॉड कर सकता है, ना ही आप संस्थान से फ्रॉड कर सकते हैं। अगर आपने ठीक है, देखिए ना, मैं एक सहज सरल चीज बता रहा हूँ आपको जी। भाई, आप हमारे गुरु हैं, मैं यदि कहीं कुछ गलत करूंगा तो शक्ति को आप आसानी से खींच ले सकते, बिल्कुल बिल्कुल निष्क्रिय कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए इतना जो है अपन ये कहें कि भाई जो गलत रहेगा उसका नियत कहीं ना कहीं दिखेगा, और वो बिल्कुल दिखेगा भी। आप गुरु हैं, आप हमारे बारे में पूरा भविष्य जानते हैं, सब कर सकते हैं। तो इतना कठोर शर्त नहीं लगाना चाहिए, कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए। देखेगा कौन किस परिस्थिति में दबा हुआ है, देखेगा ऐसा किस स्थिति में है क्या, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन करना चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा पेमेंट जो है लेना चाहिए, लेकिन सामने वाले की मजबूरी देख करके उसे आप एक टोकन जैसा, जैसे बोलते हैं ना टोकन मनी होता है कि चलो भाई आप जैसे पंडित लोग करते हैं ना, जैसे कोई हमको सत्यनारायण पूजा करवानी है तो पहले आप 10,000 दे दीजिएगा, बाकी के 10,000 आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन जब आपकी हैसियत होगी तब दे दीजिएगा, उस तरह से बोलते हैं। नहीं उसमें देखेगा, उसमें देखेगा ऐसा है, हम लोग सिद्धि करते हैं बाहर जाके जी, उसमें जो खर्चा आता है हवन का, यानी ट्रांसफर में ऐसा अगर साधना होती तो उसमें ट्रांसफर में आपका कोई खर्चा नहीं आता है, आपको ट्रांसफर दिया जाएगा बिल्कुल नॉर्मल सी 200 या 400 रुपए की सामग्री आई है बस केवल आपकी ऑनलाइन ट्रांसफर में, जो आप मार्केट में बहुत ही सहज मिल जाती है। गुलाब के फूल होते हैं, गुलाब का इत्र होता है, लौंग इलायची और कपूर, इसके अलावा 5वीं 6वीं चीजें नहीं होती आपके पास, ठीक है। यही चीज आपकी प्रयोग होती है जब ये, और एक मीठा पान, इसके अलावा कोई चीज नहीं होती। अब हम लोग बाहर जाते हैं रिस्क पे लेके उन चीजों को करते हैं, उनको वहां से लेके आते हैं। देखिएगा साधनाओं में आपको भी पता है रिस्क तो होता है हर एक चीज का, ठीक है। उस रिस्क को खत्म करने के लिए ये किया जाता है और कुछ नहीं है। अब रही देखो, और रही उसकी बात, तो हम लोगों की खास आदत है, हम जब शक्ति से वचन कराते हैं जी, ठीक है, साधक से पूछ लेते हैं तुम क्या चाहते हो तुम बताओ, शक्ति से पूछ लेते हैं तुम क्या चाहते हो तुम बताओ। साधक से और शक्ति से वचन कराने के बाद शिव जी को साक्षी मान के हम वचन कराते हैं सदगुरुदेव जी को, फिर मेरा शक्ति के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता है। जैसे बोलते हैं ना कि शक्ति खींच लेते हैं, मैं पूर्ण क्षमता के साथ पूर्ण ऊर्जा के साथ सदगुरुदेव जी को साक्षी मान के समर्पित करता हूँ, सिद्धियों को देता हूँ, जिसको भी देता हूँ, फिर मेरा कोई अधिकार नहीं होता है उसके ऊपर। मैं चाहकर भी पहले पैसा ले लेते हैं फीस वाले, जब वचन उसी को बोलते हैं ना आप लोग। हाँ, वचन का सीधा सीधा मतलब होता है जब आप बोल देते हो कि हाँ मुझे महसूस हो रहा है, यानी जब आप खुद बोलो, ठीक है, जब आप खुद बोलो। प्रैक्टिकल कराने से पहले आपकी पूरी बॉडी की स्कैनिंग की जाती है, आपके जो 7 चक्र होते हैं उनको पूरा प्योर किया जाता है, उन 7 चक्रों को एक्टिवेट किया जाता है, आपका आज्ञा चक्र खोला जाता है, सहस्त्रार खोला जाता है, जिससे आप शक्ति से जल्दी जुड़ सकें। ऐसा नहीं होता तो एक ही दिन के प्रोसेस में होता है, एक ही दिन का प्रोसेस में होता है, एक ही दिन के प्रोसेस में। हाँ, 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको शक्ति ट्रांसफर दे दिया फिर माला बैठा के बोलिए जाओ 200 माला करके आओ, जाओ 200 माला करो, 200 माला करो। भाई अगर कोई व्यक्ति पैसा खर्च कर रहा है तो अपने कंफर्ट के लिए कर रहा है, 200 माला करने के लिए नहीं कर रहा है। अगर 200 माला वो कर सकता तो वो तुमसे क्यों पैसे देता, तो वो खुद ना कर लेता। जी जी जी, ठीक है। ट्रांसफर से लेने से पहले बेसिक 3 साधनाएं होती है, वो साधक को करनी होती है, बिल्कुल नॉर्मल साधनाएं होती है, जैसे कि जो उसकी जो सहन करने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि अचानक से जो शक्ति का ऊर्जा पिंड जब शरीर में घुसता है, ठीक है, तो वो ना शरीर में कपकपी सी आना, बॉडी हिलने लगना, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजें ना हो। अगर एक साधक रेगुलर में साधक है, नित्य जप करता है, तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो उन ऊर्जाओं को महसूस करता है धीरे धीरे। जो बिल्कुल जीरो है उसके साथ ही प्रॉब्लम आती है।